प्रेज द लॉर्ड बदहाल यीशुदेवा नाम में सलाम आको हूँ। परमेश्वर तुम्हें बदहाल आशीर्वादित करो। बड़ा आनंद है, खुशी हो है, पहलो वीडियो जो संदेश नो वीडियो है, बाइबल नो वीडियो है, बाइबल ना वचन नो वीडियो है, तुम्हें बधाई को पसंद कोयो, खूब लोग कहें लाइक को या कमेंट देनी हरो रिस्पॉन्स देनो एंड तेमान कहीं गोठिया हिका मिला तुम्हाल खूब आभार मानू तुम्हें भी जरूर तुम्हें आटी आओ नवक संदेश लिए नो एंड और संदेश भी तुम्हाल गमी या मैं बाइबल ना वचन है ते जी तुम्हें हटी माँ हटी आपे बठाहा हटी है प्रभु तुम्हें बधार आशीर्वादित करो। आज तुम्हें हटी एक नव संदेश लिए नो या नवबरहा में एंड तो संदेश ओ है तो का ख्रिस्ती माहा प्रामाणिक जीवन काई है, न्यायी जीवन काई है, सीधा जीवन काई है, धर्मी जीवन काई है। अने यह हटी और संदेश तुम्हें हटी लेन हो जरूर और संदेश तुम्हारा आशीर्वादित करी अने यह वचन हाल तुम्हा त्याह प्रमाणे चालहा त्याह प्रमाणे वर्ता तो जरूर परमेश्वर तुम्हारा आशीर्वादित करी। न्यायी जीवन विषय धर्मी जीवन विषय जो है बाइबल माई अपन बनाते हैं वास्ते हैं एकुज गोट एकाज माहा पहले जिक्र यह एकाज माहा इति है एंड तो है अयुब अयुब पहला अध्याय अने पहली कलम जो वास्तवता है कोई साबिती देह त्या विषय साक्षी देह बाइबल। उस देश में अयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो ये मैं चार गोठिया लिख लिया त्या खरा माहू सीधा माहू देवा भय मानता अने बुराई थी दूर रोनारा अने एक परमेश्वर वचन साबिती देह अने त्याट विशेष कोई ने अयुब जेवा जीवन जीवनारा प्रामाणिक जीवन जीवनारा न्यायी जीवन जीवनारा अपा बाइबल माई बीजो कोहत दाखलो कोहा जुधारण आप हल नहीं मिले अने त्याट विशेष कोई ने परमेश्वरे अयुबाल ओहरा जीवन देना ओला आशीर्वादो देना पन त्या त्या आशीर्वाद त्या जीवना में रोया का नहीं रोया पन त्या ती जीवन आता ती त्या टिकारी रखिया અને ત્યાંથી વિશેષ કોઈને બાઇબલમાં ઉત્પત્તિનો પુસ્તક છઠ્ઠો અધ્યાય સહા અધ્યાયને પાંચ થી આઠ કલમમાં હેકો લખે પરમેશ્વરાય આખા જગામાં આખી પૃથ્વી વોએ જલ પ્રલયથી આખી ધરતી નાશ કોયમ પણ પરમેશ્વરાય નુહ અને ત્યાં પરિવાર બચાવી રાખ્યા કહા યો વચનમાં હેકો લખેલા હતા કા નુહ અથતો પ્રામાણિક અને સાદા જીવન ખોરા જીવન દેવા ધાક દઈ ચાલનારો અને તમામ દુષ્ટતાથી દૂર રહેનારો વ્યક્તિ હતો અને ત્યાંથી પરમેશ્વરે ત્યાલ બી બચાવી લીધો। હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ। કોલી હારી ગોઠ હી લખલી હતી અને ત્યાંથી યતે આજે અપ એતે કબ એક વિશ્વાસી મહા જીવનામાં ન્યાયી જીવન હે ખોરા જીવન હે ત્યાં કોલહ મહત્વ હતો અને ત્યાંથી વચન એકો લખે હે પહેલી ગોઠ આખે બાઇબલ ની અંદર હે ઈ પરમેશ્વર આજ્ઞા હતી। ધ્યાનથી બડે ધ્યાનથી વણાયા ઈ પરમેશ્વરની આજ્ઞા હે કે તુમાં ન્યાયી જીવન જીવે ધાર્મિકતાના જીવન જીવે ઈ પરમેશ્વરની આજ્ઞા હે કે તુમાં ખરાપણાની જીવન જીવે સીધા જીવન જીવે પરમેશ્વર ભય માનીને જીવે અને તમામ દુષ્ટતાથી દૂર રહીને જીવે ઈ પરમેશ્વરની આજ્ઞા હતી। એમ ત્યાંથી લેવી વ્યવસ્થા ત્યાં 19મો અધ્યાય 35 ને 36 કલમ હે કોઈ લખે હે કા તા હે કોઈ લખે કા તુમા જોવે ઇન્સાફ કો એ તો વે લંબાઈ ના માપ માય વજન ના માપ માય કો હાજ માપ માય દોગો મા કો હા અને તુમા જોવે આ તારા જે લહા અદલ તારા જે જે કાટલે આતે હે અને તે તોવે તુમા લહત બરાબર તોલીન દે જા હે કો આતે હે જો આમાં હબ હંમેશા આપણા એત હે વેપારી લોક યા ઓહડા સાધનોનો ઉપયોગ કોતા અને તમામ હોડિયા ગોઠિયા પાલ એરા મળતા હા લોક છેતરપિંડીની અંદર છેતરાઈ જતા ગ્રાહક છેતરાઈ જતા અને બાધ્ય ગોઠિયા પાલ માલુમ હતા એ પરમેશ્વરની આજ્ઞા હે કે આપે જીવન બી એ કોઈ જીવતે હે સીધાપણામાંય ખોરાપણામાંય પરમેશ્વર આ ભયની અંદર તમામ દુષ્ટ યુક્તિથી અથવા દુષ્ટતાથી દૂર રહીને એ કોઈ જીવન જીવતે એ પરમેશ્વરની આજ્ઞા
करना है आणि त्याल मानना तुम्हें मग कर्तव्य हेता आणि त्यासाठी एक विश्वासी महा जीवना मये ती न्यायी जीवन हेता प्रामाणिकता ना जीवन है त्या कोलह महत्व हेतो आणि महत्व ओ हेतो का आप बदल ती आज्ञा होती ती पाळना गरज है। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आणि त्यासाठी विशेष कोण ई आज्ञा है हे कुछ ने आखे बाइबल ई जे वचन हेता ई जे न्यायी जीवन हेता ओ हरम हरो गुण हेतो। हालेलुया, एक सद्गुण हेतो या हरा गुण हेता जा अय्यूब पसंद कोला था कोला दुखिया ना अय्यूब ना जीवन नी अंदर ओ पण त्या खरापणा माय सीधापणा माय अने परमेश्वर भय नी अंदर तमाम ना बुराई थी दूर एक गोठिया त्या जीवन नी अंदर ओहड़ा गुण आता क्या ते खरबाव्या नाही त्या गाववाळी सुधी आगती लागे परमेश्वराय तोपाने आखा मागी लेता आणि परमेश्वरा हिने ओ ओडी मोठी तुले ओडी तकलीफ येणली होती ओडी समस्या येणली होती ओडी मोठी बीमारी लागली होती तेव्हा भी तू प्रामाणिकतेने जीवन जीवत हो तेव्हा भी तू आज त्याच नाव लेत हो अय्यूबा अय्यूबाई तो कोली मोठी साक्षी कोली मोठी गवाही त्या जीवन में बनावी राखी। हाँ प्रिय वाला भाबो ही येस त्या होडाचा गुण आता त्याल त्याय थोबी रखे जीवन नी अंदर सीधापणा खरापणा देवा धाक दोन चलना तमाम दुष्टता थी दूर रोईना एक कोलाहरा गुण हेता या सद्गुण हेता। हालेलुया, यस। बाइबल में हेको लिखे है उत्पत्ति ना पुस्तक नी अंदर है उत्पत्ति ना पुस्तक ने 39 अध्याय में है यूसुफ विषय को लिखला है ताम का पोटीफोर ना गो में यूसुफ है ता त्या जी जिम्मेदारी निभावतो आतो अन त्या जो मालिक आतो पोटीफोर काई काम वास्ते तो बारे गोईलो आतो त्या गांव वाली पोटीफोर नी गांव वाली नजर बगाड़ी पण ओ यूसुफ देवा धक दन चालनारो न्याय जीवन जीवनारो यूसुफ आतो अने भले त्याई त्या कपड़े तांज रांदिन तो त्या दुष्टता थी दूर रहियो ती सद्गुण त्या जीवन में आता सीधापणा खरापणा अने परमेश्वर भय राखना अने दुष्टता थी दूर रहिना त्याल ती गोठी लीधे जेल में जा पड़िया भले त्याल जेल में जा पड़िया पण त्या जीवन में त्या हरा गुण आता त्या हरा गुण त्या टिकाड़ी राख्या त्या गुण त्या काढ़िया नहीं काढ़ी नहीं टक्या ओ त्या गुण हाल त्या दूर नहीं कोया त्या टिकाड़ी राख्या भले कहीं भी परिणाम हो त्या गुण हेता त्या हरा गुण हेता त्या परमेश्वर रहे गुण हेता त्या देवाही ने गुण हेता ज्या आज तुम्हाल देला है मान देला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। त्यासाठी एक विश्वासी महा जीवना मये न्यायी जीवन अथवा प्रामाणिकता काय महत्व है कोलह महत्व है आणि आज आपण तोहरा जीवन जीवू तर त्या महत्व तुम्हाल भी आणि मान भी आपण होऊन जाय त्या महत्व। हालेलुया, येस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। त्यार पछि त्रिजी बाबत ही माहे को लेखे है त्रिश्री गोट ये खूब मोठी लायकात हेती, यस, ये ओडी मोठी लायकात हेती जे जगा माय आज ती वेसाती नहीं मिले जगा माय आज केसेस नहीं मिले ती बाइबल माय मिले हेती लायकात। हालेलुया, अय्यूब जीवन नी अंदर सीधापणा खरापणा अने परमेश्वर भय राखी भय राखना अने दुष्टता थी दूर रहना ई त्या लायकत आती एंड ई लायकत ने लीधे तो छल्ला हुद रह्यो परमेश्वर ती लायकत एन त्या जोली धन संपत्ति लुटाई गोली परमेश्वर दरेक धन संपत्ति डबल देनी आखे वचन। हालेलुया, यस, डबल धन संपत्ति त्याल देनी एंड जले पोहे ते भी डबल पोहे देने एंड वचन आखे है हां त्या जे पोहिया त्या ते ओलिया सुंदर त्या ते देश नी अंदर कादा पोहिया सुंदर ने त्या ओलिया पोहिया सुंदर पोहिया भी त्याल देनिया और संतान ने देने आशीर्वादित हां ई लायकत टिकाड़ी रखी त्या। हालेलुया, यस, वचन आखे हिब्रू ना पत्र तीजो अध्याय ना 5 कलम में मूसा विषय लिखला है मूसा देव ना आखा घर नी अंदर सेवक नी पेठे खूब हारो विश्वासु बनी रह्यो अने त्याहाटी परमेश्वर त्याल खूब मोठी जिम्मेदारी देनी त्याल आशीर्वादित कोयो अने लाखो लोक हा अगवाई कोण और खूब मोठो एक लीडर बन्यो अने त्या जे इतिहास है त्या जे बांध्या साक्ष्य है त्या बाइबल नी अंदर। हालेलुया, यस, अने नवा करार माये जक्कै नामना महाविषय जिक्र कोलो है लूक अने त्या 19:1-10 कलम वास्ते है जक्कै नामना महाविषय को लेखो माय लहता का जक्कै त्या जीवन में जवे ख्रिस्त येनो यीशु प्रभु येनो त्या जीवन बदलाय गया त्या जीवन प्रामाणिक जीवन बनी गया त्या जीवन न्यायी जीवन बनी गया अने आखे है मैं जजा वने पाड़ाव्या रे त्या वने 4 दिन आई त्याल पासी फेरवी दिया आखे और जीवन खरापणा जीवन सीधापणा जीवन परमेश्वरा भय राखणारा जीवन आणि दुष्टता ती दूर रहणारा जीवन
થોડા જીવન આજે ત્યાં મેળવી લીધેલા હતા. યસ, હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યતે યા નવા વર્ષમાં આપણ બી ઓહડા વિચાર રાખતે, ઓહડા દ્રઢ મન કોઈ લેતે, ઓહડો વિશ્વાસ રાખતે પ્રભુ યા નવા વર્ષમાં આમ બી મા જીવન હેતા, મા પરિવાર ના જીવન હે, પ્રામાણિકતા ના જીવન જીવો, આમ બી ઓહડા જીવન જીવો કા પ્રભુ, હા એક નમૂનાદાર જીવન, નમૂનો બની જાય ઓહડા જીવન આમ બી જીવો. યસ, ખૂબ હારો સંદેશ. ઓ આજ તુમે હાટી હે, તુમે ઘરાના હાટી હે, તુમે પરિવાર હાટી હે, તુમે પોતાના જીવનને માટે હે. અગર યાવો તુમે વર્ષો વિશ્વાસ થવા, ઓહડા જીવન જીવહા, યેસુ પ્રભુ આશીર્વાદિત કરે અને પુષ્કળતાના આશીર્વાદિત કરે. યસ, તુમ હાટી પ્રાર્થના કરવા માગે. અગર તુમા હે તો ડ્રા બંધ કરા, તુમ હાટી વિશેષ પ્રાર્થના કહું. યસ પિતા પરમેશ્વર, આજે જોલા બી લોકો વિડીયો એ રહેલા હતા, આમાં દરેક વહાલા બહા બહુ હાટી પ્રાર્થના હે, યા નવા વરહમાય ઓહડા જીવન દે પ્રભુ, ન્યાયપણાના જીવન પ્રભુ, પ્રામાણિકતાના જીવન પ્રભુ. હાલેલુયા, આજ પ્રભુ એક ગોઠિયા સમજાયા દે કા આમે જીવનમાં પ્રામાણિકતાના કોલા મહત્વ હે, ન્યાય જીવનના કોલા મહત્વ હે. ઈ યાવરહમાં માલ હમત પડી જાય પ્રભુ, અને થોડામાં જીવતે લાગજે તો આમાં ધન્ય બની જશે, આશીર્વાદિત બની જશે. હાલેલુયા. યસ પિતા, આજે જોલા લોકો વિડીયો સામર્થ્ય.